नमस्कार। इस वर्ष 28 मार्च 2021 की शाम को होलिका पर्व मनाया जाएगा। 28 मार्च 2021 की सूर्यास्त के समय से रात्रि को 8:44 तक होलिका दहन का विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और इस समय यदि मेघ गर्जन करता है और तेज हवा चलती है, इसका मतलब ये होगा कि आगे आने वाला जो वर्ष है उसमें गल्ला व्यापार बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा। इस समय यदि पूर्व दिशा की ओर हवा तेज चलती है तो यह सभी के लिए शुभ कार्य होगा। अगले दिन सोमवार यानी 29 मार्च 2021 को धुलेंडी का पर्व मनाया जाएगा। सोमवार के दिन होलिका दहन से बची हुई जो भस्म है उससे स्नान करने से सभी दुष्ट ग्रहों की शांति होती। 28 मार्च 2021 रविवार को पितरों को पिंडदान या जलदान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी है और मंगल राहु की युति है वृषभ राशि में। मंगल राहु की यह युति वृषभ राशि में होलिका पर्व के दिन 111 वर्षों के बाद बनी है। इसके अलावा गुरु शनि की युति है मकर राशि में और यह युति मकर राशि में होलिका पर्व के दिन 60 वर्षों के पश्चात बनी है। मंगल राहु की युति इससे पूर्व सन 1910 में बनी थी और गुरु शनि की युति मकर राशि में होलिका पर्व के दिन सन 1961 में मनी थी। रविवार को होली तंत्र साधना के उद्देश्य महत्वपूर्ण होगी। अपने इष्ट देव का पूजन तथा गुरु के मंत्रों का जाप करने से तथा रात्रि जागरण करने से धन, स्त्री, शरीर, स्वास्थ्य, समय लाभ होता है। होली पर किया गया पितरों का श्राद्ध पितर हर्षित होकर स्वीकार करते हैं। इस दिन आम्र मंजरी एवं चंदन को मिलाकर खाने का महत्व है। होली के दिन जो हिंडोला दर्शन करता है वह सीधे वैकुंठ को प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार नारद जी द्वारा कहने पर युधिष्ठिर ने फाल्गुन पूर्णिमा पर बंदियों को अभयदान देकर कंडों को जलाकर होली मनाई थी। होली में जलाई जाने वाली आग यज्ञ का प्रतीक है। हमारे संस्कारों एवं पुराणों के अनुसार पहले हर वस्तु को जो प्रकृति से प्राप्त हुई है ईश्वर को समर्पित की जाती है। उसी तरह नई फसल आने पर होली को जलाकर नए अन्न के दाने जिन्हें होलक कहते हैं आग पर सेका जाता है। यही कालांतर में होली के नाम से मशहूर हुए। यदि आपकी पत्रिका में ग्रहों का खराब योग हो तो होली की भस्म को लाकर थोड़ी शिव को अर्पण करें तथा शेष भस्म को छानकर उससे स्नान करें, फिर गर्म पानी से स्नान कर लें। ऐसा करने से अशुभ ग्रहों की शांति होती है। जय श्री महाकाल।